हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और एक दूसरी वीडियो है। आज कुछ इंडेक्स में काफी एक बड़ा मूवमेंट आए तो सोचा कि आज फिर एक वीडियो इंडेक्स के ऊपर ही, ऑप्शन के ऊपर ही आज फिर से बनाया जाए। और हर रोज ही काफी स्मूथ परफॉर्मेंस रहती है लेवल्स की, बट फॉर जस्ट रिकॉल और एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का मार्केट आज था। काफी दिनों बाद ऐसा बड़े मूवमेंट और एक पर्टिकुलर लेवल से एक डिफरेंट मूवमेंट आए, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट माय लेवल्स एंड माय ट्रेडिंग ट्रेडिंग लेवल्स। सो व्हाट हैपेंड टुडे, एक्चुअली बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में हमारा एक लेवल था, वो लेवल नहीं आया, बट फ्रॉम हियर जब भी ये टेस्ट करके 358 गया तो 358 के बाद 436 गया, यानी 360 436 अप्रोक्सीमेट अगर आप देखें तो आप यहाँ पे आप 20% के आसपास आपको एक मूवमेंट मिला, 20% के आसपास। सेकंड टाइम अटेम्प्ट में हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ और फिर भी यहाँ पे आपको अगर बात करें तो 10% का फिर रेशो मिला। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, देन आफ्टर 179 से मार्केट सीधा सीधा जंप किया 285 पुट में। करीब 2:50 के बाद एक इंस्टेंट मोमेंट आया और उस मोमेंट के दौरान 179 टू 285, 180 टू 285, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 5 पॉइंट इज बफर अप एंड डाउन साइड, देयर इज नो इश्यू, बट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यू गेट इट, सो इज मोर देन 60%, 60-70% इन वन साइड। अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में आज सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों में ही आज बहुत बड़े मूवमेंट आए और एग्जैक्टली हमारे लेवल से, जहां से हमें देखना चाहिए वहां से हमें आया। तो थर्ड कैंडल पे मार्केट ने क्लोज दिया 11760 के ऊपर, 1170 सॉरी 117.60। तो उसके ऊपर जब क्लोज हुआ, आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देखें तो ये क्लोज जो है एग्जैक्टली हमारे पास हुआ हाई और 122 का, मतलब 117 से 5 पॉइंट ऊपर। देन आफ्टर किसी भी लेवल के बाद जब भी टेस्ट हुआ तो कोई उसका स्क्वायर रूट का स्टॉप लॉस कभी नहीं कटा। जब भी लेवल टेस्टिंग हुआ इमिडिएटली ऊपर गया, लेवल टेस्ट हुआ स्क्वायर रूट का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं कटा, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट का स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग आपने चालू किया था। अदरवाइज 117 से लेके 700 कुछ, कैन यू इमेजिन दैट, 717, 700 अगर हाई में चेक करूं तो 727 का हाई है, 727 का हाई है। सो हाउ मच परसेंटेज यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, राइट, 117 टू 717, 727 सॉरी। और कहीं भी कोई स्क्वेयर रूट का किसी भी लेवल के ऊपर आने के बाद, मार्केट ने जैसे इस लेवल के ऊपर आया तो दोबारा से मार्केट ने स्क्वेयर रूट नीचे 414, 413 या 400 का स्टॉप लॉस बनता था वो कभी नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ से गया तो यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, तो नो कोई जरूरत ही नहीं थी इसमें एग्जिट होने की। एग्जिट होने के बहुत सिर्फ एक सिंपल सा तरीका, स्क्वेयर रूट जब होता है, सपोज आपका यहाँ पे आता है और ये स्क्वेयर रूट आपका यहाँ पे एसएल कट जाता है तो कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में मार्केट ऊपर क्लोज देता है फिर स्क्वेयर रूट का स्टॉप लॉस आता है, देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड, राइट। सो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और आप ये कीजिए कि 700%, राइट, 700% मार्केट ने मूवमेंट किया, 600% सॉरी, राइट, 117 पे आपका एंट्री था। चलिए बैक टू द पुट साइड। अब पुट साइड में भी एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट आया जो दिखने में बहुत छोटा है। अगर मैं बात करूं तो हमारे लेवल्स कुछ ऐसे थे, ऑप्शन बाइंग हेजिंग, राइट, मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी आप देखिए हमारे पास एक लेवल था 1417 का जो कि आफ्टरनून के बाद आया, आफ्टरनून के बाद आप 57 और इसी इन्हीं लेवल पर ट्रेड करते हैं। देखिए 57 के ऊपर कभी क्लोज नहीं दिया गया, मार्केट ने कभी क्लोज नहीं दिया। व्हाट हैपेंड, आई थिंक इट्स अ करप्ट, ओके मैं दोबारा से कॉपी करके आपको डालता हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर कभी क्लोज नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे लो जो बनाया वो 112 सॉरी 12.40, 12.40, 12.55, और मार्केट ने क्लोज हर बार 14 के ऊपर दिया, 1470 के ऊपर दिया क्लोज, यहाँ भी आप देखें 1540, 1545 का। सो योर बेस्ट बाइंग इज 1545 एंड व्हाट इज द हाई 88। हाउ मच टाइम अगेन 600 700 600%।
सॉरी। सो द मार्केट इज कंप्लीटली सेकेंड अटेम्प्ट हियर 14 to 88, राइट? ओके, कम बैक टू निफ्टी। व्हाट हैपेंड इन निफ्टी? इफ यू सी द निफ्टी वे ओके, फिन निफ्टी एज वेल। आप देखिए फिन निफ्टी भी चेक करते हैं, फिन निफ्टी में क्या हुआ। ओके, द लोअर लेवल इज फिन निफ्टी इज हियर। मैं फिन निफ्टी के भी लेवल्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट मॉर्निंग में ही पहली सेकंड कैंडल पे आपको एंट्री मिला। एंट्री मिला 71 के ऊपर, 71 से 160, 71 से 167। ओके, यहां पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, 101 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन आफ्टर 46 का लेवल आया, 46 के ऊपर सीधा सीधा मार्केट ने 113 एक वैल्यू को परफॉर्म किया। मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, एक्चुअली इज ऑन सेकेंड कंप्यूटर, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको आज के लेवल्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो इसमें भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और यहाँ पे 46, ऑब्वियसली हमारा जो लेवल है 100 के बाद, तो ऑब्वियसली हमारा जो लेवल है नियर बाय हियर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली लेवल हमारा जो था इसके बाद क्या था। वो 51, 50 या 48 के आसपास कुछ हमारा लेवल रहा होगा और वो एग्जैक्टली मार्केट ने परफॉर्म किया। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फिन निफ्टी का वैल्यू, सपोज 50, 52 है, तो मार्केट ने जब भी टेस्ट किया इसको, देन 50 से सीधा मार्केट का 112, इट्स आल्सो ए 100%, डबल अमाउंट विल बी डबल। ओके, देन केम्स टू निफ्टी, सॉरी निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे नहीं आ रहे, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, निफ्टी के लेवल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। Something is missing to transfer the file. Okay, let me check on another computer. Please wait for a while. फिन निफ्टी के हमारे पास लेवल थे 6733 और 6733। निफ्टी चेक कर लेते हैं एक बार, 6720 एंड 33 एंड डाउन साइड में तो 33। लेट मी चेक द 33। ओके, 33 यहाँ पे नहीं आया, बट इस नियर यहाँ पे 33 का समथिंग लेवल है। तो 66 एक वैल्यू हमारे पास आती है, 66 अगर हम उसकी बात करें, सो इट केम्स एट 66, राइट? अप्रोक्सीमेट 67.20, राइट? सो फर्स्ट टाइम 67 से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे गया है हाई जो है 79 का, राइट? 66 टू 79, 12-13 पॉइंट का है। उसके बाद अगर हम स्टॉप लॉस काउंट करें तो देन आफ्टर द 65, 66 अगेन, 66 टू 112, इट्स ऑलमोस्ट डबल, राइट? ओके, केम टू द निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के हमारे पास लेवल जो थे वो हमारे पास थे एग्जैक्टली 19, 9.6, 19, 28। मैं अपलोड करता हूँ, एक्चुअली ये जो लोग था आज का, आप देखिए, या सो लेवल इज ऊपर भी लेते हैं ये, ऑलमोस्ट हम चार चार लेवल इसमें ले लेते हैं और मैं लेवल को एक बार कंसीडर करता हूँ कि वो हमारे उस पे आए तो क्या होगा। लेवल थे 28.75, 28.75, चेक द 28.75 एंड 19, 19.15, 19.15, राइट? एंड देन आफ्टर 38.47, 76, 76 इसे और हायर लेवल। ओके, एग्जैक्टली 76 क्लोज बिलो एंड दिस केम आउट। सो 28 एंड 19.15। ओके, सो फर्स्ट लेवल गेन 19.15, हियर इट इज 19.20
Okay, 1915 is our level. So what happened here? What is the low? Low is 22, right? And next level is 28. So, sorry, both are false. It's my mistake. Here is call and here is a fruit. Right? So, आप देखें यहाँ पे 10, 12, 13 मार्केट पूरा दिन नीचे ही रहा और ये मार्केट पूरा दिन ऊपर रहा. जब भी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया 76 के ऊपर, so it goes to be here. Right? It's not right way, but upper level is already gone because price is so low. Aaj expiry tha bank sorry Nifty ka, so Nifty is not performing well. I mean to say the price was very small. So first candle is 23.20, opening is 23.30, and after that it goes to 240. So aap dekhiye 30 points se 28 ka hamara ek level tha. Second candle pe, third candle pe aapko entry mila. इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सेकंड कैंडल पे यहाँ पे आप देखिए 2790 का क्लोज है, तो आपका एंट्री हो जाता है. एंट्री होने के बाद मार्केट ने कभी भी स्क्वायर रूट लो नहीं काटा. अभी बात करते हैं यहाँ पे, अगर 19650 का पुट की बात करें, 19650 का पी, तो ये प्राइस कुछ बड़ा ओड आ गया था. 30 पैसा टू हाई वाज 2.60, 30 पैसा टू 2.60. अगर उस टाइम पे आप 650 की बजाय आप दूसरा कॉल पुट ऑप्शन देखते या कोई और देखते पुट ऑप्शन, तो वो भी एक अच्छी स्पीड से परफॉर्म किया. तो ये था आज का वीडियो और ये हमारे लेवल पे इसका एक परफॉर्मेंस वीडियो था कि आज के दिन क्या हुआ. बहुत बड़े बड़े आज प्रॉफिट हिट हुए और बहुत बड़े बड़े लेवल पे मार्केट ने परफॉर्म किया एग्जैक्टली लेवल से. और बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सभी को मैंने आपको दिखाया और सभी हाई मूवमेंट लेके आज परफॉर्मेंस आपको मिला इस पर. सो होप गाइस ऑल थिंग्स आर यू अंडरस्टैंड, बट इफ एनी बडी इंटरेस्टेड सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और स्काइप. सो वी विल मीट यू सून अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.